नमस्कार, अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ब्रा कट ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। कैसे करनी है अभी हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। ये ब्लाउज की पूरी लंबाई 13.5 है। सिलाई मार्जिन के लिए हम आधा मिलाएंगे तो पूरी लंबाई 14 हो जाएगी। इस तरह से मार्किंग करके नीचे से एक लाइन खींचेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। इसकी शोल्डर में 5 ले रही हूँ, 5.25, क्योंकि पीछे का गला बड़ा है। गले की रुंधी 2.5 इंच लूंगी। आर्महोल देख लीजिए, 6 ले रही हूँ। चेस्ट का 1/4 9 आता है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। ये ब्लाउज 36 चेस्ट का है। अभी आर्महोल के लिए, गोलाई के लिए देखो, यहाँ मैंने पाउन लिया और शोल्डर को मिला दिया। अभी पीछे के दोनों कटिंग, आगे पीछे की हम साथ में कर रहे हैं। पीछे की गोलाई के लिए पाउन लिया, आगे की गोलाई के लिए आधा लिया। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। आगे की भी गोलाई देख लीजिए, दोनों के बीच में 1/4 इंच का अंतर रहेगा। ये देख लीजिए, आगे का गला 8 इंच लिया और वी गला है इसका। अभी हम बेल्ट के लिए देख लेंगे। गले के साइड पे 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, आर्महोल के साइड पे 2.5 इंच, साइड में लाइन लगा के लेंगे। भी हम इसको मिला देंगे। तो बेल्ट के लिए देख लीजिए, सीधा आधे तक ले लेंगे और फिर 3.5 को मिला देंगे। बेल्ट की भी गोलाई ठीक से आनी चाहिए। अभी हम कटोरी ब्लाउज में कितना लेते हैं, कटोरी की मार्जिन उसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे। तो वो मैंने 6 लिया, 6 के ऊपर 3 इंच ले लिया मुंडे के नीचे। अभी यहाँ देख लीजिए, मुंडे के लिए मैं यहाँ 2 तक मार्किंग कर रही हूँ। अभी यहाँ मिला देंगे। जिस किसी ने उल्टी कटोरी की कटिंग देखी है उनको ये इजी लगेगा। अभी यह कटोरी के बीच में का पॉइंट लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 इंच। उसके ऊपर 1 इंच की ऐसे एक पॉइंट लेंगे। हमने ये पॉइंट ले लिया, ये देख लीजिए आगे की मार्किंग हमने कर दी। अभी यहाँ जिधर हमने 6 पॉइंट लिया है वहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से गोलाई देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम गले के साइड पे उतार देंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा बड़ा है इसलिए गले के साइड पे हम उतार दे रहे हैं। जब पीछे का गला कम रहता है, शोल्डर ज़्यादा रहती है, तो मुंडे के साइड हम उतार देते हैं। अभी हम ये कट कर देंगे दोनों पेपर।
एक हाथ पेपर पे रख देने का। रखेंगे तो कैसा, दोनों पेपर ठीक से कट हो जाएगा। जो पीछे की गोलाई है मुंडे की, वो कट कर देंगे। अभी शोल्डर का उतार जो है वो कट कर देंगे। यहाँ मार्किंग कर देंगे गले के लिए। आगे का हम अभी साइड पे रख देंगे। गला देख लीजिए, 2.5 इंच लिया। पीछे का अब हम 10.5 लेंगे। नीचे के लिए हम गले की रुंदी 3 पर ले रहे, ऊपर 2.5 लिया है। गला बहुत ही अच्छा बन जाएगा। यहाँ लोटा गला भी ले सकते हैं, पर मैं खाली गोल दे रही हूँ। गोलाई देख लीजिए, ये गला भी बहुत अच्छा दिखता है। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, सब के लिए समझ में आ जाएगा, जो नए हैं उनके लिए भी। अभी आगे की कटिंग करेंगे। आगे की मुंडे की गोलाई कट कर देंगे। गला देख लीजिए, वी गला लिया है। सामने का हम हुक लगाएंगे, उसी हिसाब से कट कर रहे हैं। ये सामने हुक पीछे हुक भी कर सकते हैं हम। यहाँ तो नहीं कट करेंगे, ये अखंड है। ये बेल्ट और साइड की बाजू जॉइंट ही है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मेरे को गोलाई कम लगती है, तो मैं थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की साइड से गोलाई दे रही हूँ। जैसे हम कटोरी गले के साइड देते हैं, इसी तरह से ये मुंडे के साइड गोलाई देते हैं कटोरी की। ये ब्रा कटोरी भी बोलते हैं इसको, और उल्टी कटोरी भी बोलते हैं। अभी इसे हम बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाते हैं देख लीजिए। पेपर पे हो जैसी कटोरी है वैसे पहले मार्किंग करके लेंगे। ज़्यादातर कहाँ से भी नहीं लिया, जैसे वैसे ही हम मार्किंग कर रहे हैं। अभी हमें बढ़ाने का है, कहाँ से देख लीजिए। ये पॉइंट नीचे का रह गया 1 इंच। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1/4 इंच लेते हैं। ये बाजू के साइड से 1/4 इंच, मैंने हमने कितना बढ़ाया, 2.5 इंच बढ़ाया। यहाँ से मुंडे के लिए 1/2 इंच, और नीचे के लिए टक्स के लिए 1.5 इंच। अभी ये नीचे गले के साइड पे हम जॉइंट कर लेंगे। अभी ये देख लीजिए, गोलाई जैसी ऊपर गोलाई दी उसी तरह से नीचे से भी गोलाई दे देंगे। अभी ये हमारी ब्रा की कटिंग ठीक से हो रही है। इसे कटोरी भी बोलते हैं, ब्रा कटोरी। अभी हमें टक्स देने का है, तो 2.5 इंच बढ़ाया, तो यहाँ कितना हो गया, 1/4 दोनों साइड से पॉइंट लेके तीनों पॉइंट मिला देंगे। अभी हम ये पेपर कट करेंगे। जितना आप लोगों को इजी बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं सबको, कि सबको आना चाहिए। जितना मेरे को इजी तरीके से बताने के लिए आता है उस
यहाँ से हम कट कर देंगे। अभी हम भाई बनाएंगे। भाई की लंबाई 4.5 इंच है, सिलाई मार्जिन के साथ 5 इंच लिया। भाई की घड़ी 9 इंच, चेस्ट का 1/4 लिया भाई घड़ी के लिए। अभी यहाँ देख लिए जे 1.5 इंच अंदर, 7.5 तो उसके दोनों के बीच में 4.25 पर पॉइंट लिया। अभी हम उसका बॉक्स बना के पीछे के मुंडे के लिए गोलाई देंगे भाई की और आगे की गोलाई। दंडगेर के लिए 1 इंच अंदर लिया लाइन लगा के। अभी हम ये भाई कट कर देंगे। बहुत ही आसान है पेपर कटिंग करना। ये देख लीजिए आगे की बाजू, पीछे की बाजू, गले भाई की, ये पीछे वाली ब्लाउज की, ये सब हमारे पेपर कटिंग देख लीजिए ब्राकेट ब्लाउज के है। अभी आगे हम आगे के वीडियो में सिलाई का वीडियो दिखा दूंगी कि कैसे सिलना है। आपको कटिंग कैसी लगी बता दीजिए।